यूपी में जमीन विवाद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जमीनी विवाद में जुबान काटने का मामला शायद पहला है। लखीमपुर खीरी में दबंगों के खिलाफ मुंह खोलने पर एक शख्स की जुबान काट दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों ने मिलकर एक शख्स की जुबान काट दी। जमीनी विवाद में समझौते के बाद भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मुंह खोलने की ऐसी सजा दी कि पंकज वर्मा की जुबान ही काट ली। ये मामला है लखीमपुर के सदर कोतवाली इलाके के उदयपुर का। रामधार, अवधेश और अवधेश का लड़का सुधीर, इन्होंने हमें सड़क के किनारे गिरा लिया और गिरा के हमारी जुबान काट ली। बताया जा रहा है कि पंकज वर्मा का मोहल्ले के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। इस विवाद का एक बार मोहल्ले के सम्मानित लोगों ने समझौता भी करवाया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। रात को पीड़ित पंकज अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब लेने घर से बाहर गया था। इसी दौरान घात लगाए बैठे इन तीनों आरोपियों ने पंकज पर हमला कर दिया। हम खुशी पुस्तक भंडार पे गए थे अपने बच्चे के लिए कॉपी लेने। रात करीब 8:30 बजे जब हम लखीमपुर से घर गए तो बच्चे ने कहा कि कॉपी ला दो पापा, तो हम कॉपी लेने गए थे। लोग पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। किसी तरह से पंकज ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया तो आरोपी भाग निकले। पंकज ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, अब उसकी जीभ में चोट है। अब ये चोट मारपीट की वजह से आई है, इंटेंशनली इसको चोट पहुंचाई गई है। इसके संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल प्रकरण में धारा 326 IPC का अभियोग दर्ज है और विवेचना की जा रही है। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हम लोगों ने कर ली है। आपसी रंजिश में इंसान अपने स्वार्थ को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में जरूरत है इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई की। गोपाल गिरी, नेशनल वॉइस, लखीमपुर खीरी।